सर, आज बहुत ही रोमांटिक टॉपिक पर चर्चा होने वाली है, जिसमें मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में ट्रू लव की पूरी डेफिनेशंस बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ, जो मेरे दिल के बहुत करीब है और ऑलवेज आप सभी के दिल के बहुत करीब होने वाला है। पर आज की जो जनरेशन है उसको बहुत समझना जरूरी है कि एग्जैक्टली ट्रू सेंस में जो रियल लव हुआ करता था पहले के टाइम पर, जो लोग उसे फील करते थे, समझते थे और उसको बरकरार रख पाते थे काफी कई कई सालों तक, 100 सालों तक, 80-90 जब तक वो जीते थे तब तक दोनों का जो मिलाप था, जो एनर्जी थी, जो पीस था, जो पॉजिटिविटी थी, जो दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री हम बोलते हैं, वो केमिस्ट्री दैट इज अ ट्रू रियल लव। अब लव की डेफिनेशन में आपको तीन वर्डिंग में समझाना चाहूंगा। सबसे पहले प्रेम फिजिकल प्लस साइकोलॉजिकल प्लस मेंटल, जो हम चाहते हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है, जो हमारी साइकोलॉजिकल नीड है या फिर हमारी फिजिकली नीड है, या फिर हम जो सोचते हैं कि हमें जैसा व्यक्ति चाहिए था वैसा, दैट इज वो सारी चीजों को हटा के उसके बाद जो पवित्रता हमें प्रोवाइड की जाती है हमें मन से, या फिर हम जिसके परे हो जाते हैं, उसको रियल लव कहा जाता है। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। एग्जैक्टली प्रेम की डेफिनेशंस अनकंडीशनल है। जिस व्यक्ति के प्रति आप टोटली अनकंडीशनल हो जाते हो, जिसके साथ आप कोई भी कंडीशन नहीं रखते, बस मुझे तुम पसंद हो और मैं तुम्हारे लिए पूरा ओवरऑल सरेंडर हूँ तुम्हारे साथ कंटिन्यू, चाहे कोई भी सिचुएशंस आ जाए, कोई भी सिनेरियो आ जाए, कोई भी सिंपली या हार्ड वर्किंग सिचुएशंस आ जाए, तो भी वो और मैं, हम दोनों कोई भी सिचुएशंस में एवरी टाइम साथ में रहेंगे, हमेशा रहेंगे, थे और कंटिन्यू उस लेवल तक करते रहेंगे। हम बोलते हैं कि आहा तेरे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बट दैट इज कि जब सही वक्त आता है तो सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो आजकल की जनरेशन में मैं आपको आज के लेवल पर आपको समझाना था बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। वैलेंटाइन डे मनाया जाता है 14 फरवरी को, तो डेफिनेटली सब लोग जानते हैं कि सब फॉल इन लव। तो सेंट वैलेंटाइन ने भी ये फॉल इन लव की डेफिनेशन क्या बताई है, उन्होंने सिंपली वही चीज बताई जो ऑलरेडी हम उस चीज को देखते आ रहे हैं, जब 90s में 80s में और उससे पहले हमारे जो बाप दादा के टाइम पर, जिस टाइम पर जो ट्रू लव्स की डेफिनेशन थी कि बिना लड़के लड़की को देखते हैं बिना ये सारी चीजें हुआ करती थी और वह ऑटोमेटिकली ट्रू लव हो जाता था क्योंकि उसमें कोई कंडीशंस नहीं थी, समझो। अब आज तो आपको सारी कंडीशंस अप्लाई है, आपको सभी आपके रियलिटी में जो पात्र आपके सामने आता है, जो आप खुद पसंद करते हो, सब कुछ आपने देख लिया है, 3-4-5 साल बहुत अच्छे से उसको समझ लिया है उस व्यक्ति को, फिर भी मैं देखता हूँ कि 5-6 साल की रिलेशनशिप आफ्टर मैरिज या कोई भी ऐसी सीनरी आ जाता है ब्रेकअप डाउन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप कहाँ क्या मिस्टेक कर रहे हो, आपने कंडीशंस रखी जो ट्रूनेस की थी नहीं। आज के टाइम पर आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ अपने लव को डिफाइन करते हो। दोस्तों पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों चीज टोटली डिफरेंट है, वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो आप उसको अपने लव के साथ कनेक्ट कर सको। कैसे आप कनेक्ट कर पाएंगे, इट्स नॉट, ये कोई ऐसी चीज नहीं कि बस आपको इसने खरीदी और फिर बेच दी और ये चीज कर दी। आज तो लोग सब्जी मंडी की तरह अपने लव को कन्वर्ट कर रहे हैं, That is not, वो कैसे टिकेगा, फिर ब्रेकअप होगा और सारी चीजें आपको दुख दर्द और नेगेटिविटी लाना शुरू कर देगी। तो that is most important things कि पहले तो साइकोलॉजिकली फिजिकली और आपकी जो नीड है, जो जिस लेवल तक आप मेंटली सोच सकते हो, वो नीड से परे सोचिए, वो नीड होनी ही नहीं चाहिए, इसके परे जिस व्यक्ति के साथ आप घंटों तक वक्त बिताओ तो भी आप कंटिन्यूसली उसके साथ सालों तक रह सको। अगर आप दोनों के बीच में कोई भी ऐसा थर्ड पर्सन जो आप दोनों की रिलेशनशिप को तुड़वाने भी आए तो भी आपका ट्रस्ट इतने लेवल तक हो कि वो दोनों व्यक्ति एक दूसरे को ऐसे लेवल पर मानने के लिए ना तैयार हो कि ना मेरा ये व्यक्ति ऐसा है ना वो व्यक्ति ऐसा है, कोई भी थर्ड पर्सन हो, फोर्थ पर्सन हो, जितने भी लोग आ जाए, आपके उस लेवल को कनेक्टिविटी रखने के लिए हमेशा तैयार हो कि नहीं, इतना ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए, दैट इज आपका ये ट्रू लव है। ये ट्रू लव हमेशा उतने लेवल तक कंटिन्यूसली फॉल इन लव में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, जो सेंट वैलेंटाइन ने 8वीं सदी के अंदर उस टाइम पर वहां के जो रोम सिटी के अंदर जो राजा थे उन्होंने लव का बहिष्कार किया था कि नहीं, उतने जितने भी सिपाही थे उन्होंने बोला था कि इन सारी चीजों को शादी नहीं होनी चाहिए और वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, जो एग्जैक्टली उससे लोगों का माइंड डाइवर्ट होता है। एक्चुअली डाइवर्ट कब होता है, जब आप
ये सारी चीजों में से निकल जाते हो, जब ये नेगेटिविटी आ जाती है, जब ये सारे सीनरियों से आप बाहर निकलते हो, तो ऑटोमेटिकली आप सारी चीजों पर कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, तो मेन थिंग्स क्या है कि आपने सारे लेवल पर में बाहर निकलना है। तो उस टाइम पर जो सेंट वैलेंटाइन थे वहां के पादरी, उन्होंने सिंपली वही किया था कि उन सारे सिपाहियों को सही लव की डेफिनेशन सिखाई थी, और उनके साथ जो जो व्यक्ति के साथ वो कनेक्ट होते थे उनके साथ प्रॉपरली उन सिपाहियों के साथ शादी कराते थे। After that, simply क्या होता था? वो खुद ये सारी चीजें करते हुए पकड़े गए, उसके बाद जो राजा ने उसके मौत की सजाएं सुनाई। After that, वो fall in love में इतना believe करते थे, unconditional love, जिस जेल में उनको सलाखों के पीछे लगाया गया, वहाँ पर जेलर की जो डॉक्टर है उसके साथ उनका real प्रेम हो गया, और after that, जब उनकी मृत्यु का टाइम आ जाता है तब वो लिखते हैं लेटर में कि माई लव, माई फॉल इन लव सो एंड सो, और चाहे कुछ भी हो जाए मेरी लाइफ, भले मैं फिजिकल नहीं हूँ पर मेरी आत्मा तुम्हारे साथ कनेक्टेड है हमेशा, मतलब तुम्हारे लिए ही जीती है आज से, जब से उस लेवल तक हम आगे बढ़े हैं। तो लव नॉट एन ओनली कि ये केवल हम अपने लेवल को दर्शाने के लिए लगते कि हाँ ये मेरे वाइफ है, ये मेरे वो है, ये वो है, सो एंड सो है, नथिंग एल्स दोस्तों। ये सारी चीज़ों में से बाहर निकलिए और इस चीज़ को समझिए कि फॉल इन लव क्या होता है। जिस चीज में आप कंटिन्यूसली इसके साथ कनेक्ट रहे और तो भी सालों तक वो प्यार खत्म ना हो, उसे सही लव की डेफिनेशन दी जाती है। आप इस चीज को फील कीजिए, समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए। इसको फील किया जाता है, समझा जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है, तब ऑटोमेटिकली बॉन्डिंग और वो जो आप फील करना चाहते हो कि रियलिटी में अब मैं इतने सालों तक तुम्हारे साथ रहा फिर भी मुझे हर बार नई फीलिंग्स आती है ऑलवेज, तो यही लेवल पर हम फॉल इन लव को कन्वर्ट करते हैं। आई होप कि आपको इस सिंपलिसिटी में लव की डेफिनेशन समझ में आएगी, जिसके पीछे कोई कंडीशंस नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।